नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल साथी के एक नए फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज के वीडियो में आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक का सुन के बस मजे आ जाएंगे आपको। बहुत ही शानदार ट्रिक है, अमेजिंग ट्रिक है। बहुत सारे लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को इस ट्रिक के बारे में अभी भी नहीं पता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि कौन सी ट्रिक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, किसी भी चीज़ में समस्या होता नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो यार देखो, ट्रिक बेसिकली ये है कि व्हाट्सएप जब आप यूज़ करते हैं तो जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप यूज करना है समझे, तो यहाँ पे आप कोई सा भी चैट ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट जो है, यहाँ पे जो व्हाट्सएप का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का बैकग्राउंड आता है। तो ट्रिक कुछ इस तरह की है, जैसे मान लीजिए अगर आपको व्हाट्सएप के पीछे का बैकग्राउंड के अंदर कुछ वॉलपेपर लगाना है, जैसे मान लीजिए ये है कोई सा भी होगा, कुछ भी होगा, कोई सा भी या तो ग्रुप होगा या कुछ भी होगा, तो आपको जो है पीछे का कुछ इस तरह का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपको वॉलपेपर लगाना है तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए ऊपर आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर। सेटिंग वाले ऑप्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको आना है चैट वाले ऑप्शन के अंदर। तो चैट वाले ऑप्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको आना है वॉलपेपर पे। तो वॉलपेपर पे यहाँ पे आपको चूज़ करना है वॉलपेपर। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको कलर लगाना है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं सॉलिड कलर पे, जहाँ पे आप कलर सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए और अगर आपको फोटो लगानी है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे गैलरी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। गैलरी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कोई सी भी फोटो लीजिए जो भी आपको ठीक लगे। तो चलिए जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाली फोटो ले ली, तो ये वाली फोटो लेने के बाद मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेट करने के बाद ये फोटो जो है सेट हो चुकी है और यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन पे जाएंगे, किसी भी चैट पे जाएंगे तो पीछे जो है फोटो आ चुकी है। तो जैसे आप देख सकते हैं, आप कोई से भी ऑप्शन के अंदर जाओगे, किसी भी चैट के अंदर जाओगे तो फोटो जो है सेट हो चुकी है। और जब भी आप उसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार तरीका है। तो ये था पूरा का पूरा ट्रिक, तो किस तरह से आप वॉलपेपर लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको और भी ऑप्शन देखना है इसके अंदर तो और भी ऑप्शन है इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए वॉलपेपर लाइब्रेरी है जिसमें व्हाट्सएप अपनी प्रॉपर लाइब्रेरी यहाँ पे सेट कर सकता है, जिसमें आप जो है लाइब्रेरी के अंदर एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपकी जो है लाइब्रेरी सेट कर सकता है। और जैसे मान लीजिए आपको सॉलिड कलर सेट करना है, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला कलर सेट कर दिया, जैसे मैंने ये वाला कलर सेट कर दिया, तो ये इसको सेट करने के बाद आप कलर भी जो है आसानी से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब फिर आप किसी भी ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे जो है कलर आपको सेट मिल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको जो है कलर वगैरह मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बने रहने टेक्निकल साथी चैनल में। चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए बोलते रहना।